वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक वोकेशनल। सब तो पहला मेरा मैसेज है वो स्टूडेंट्स लिए जिन्होंने हुण तक के चैनल सबसक्राइब नहीं किया, काइंडली ये चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि तुसी सारिया वीडियोस आसानी ना सेव करके रख सको और लोड़ पैण ते वो वीडियोस नू देख सको ते नोट्स नू डाउनलोड कर सको। हुण आपां करदे हां अज दा टॉपिक। अज दा अपना टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ये अपना ट्रेड टू दे चैप्टर टू क्लास प्लस वन वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक है। सब तो पहले आप गल करते हैं कि मल्टीप्लायर की होंगे। मल्टीप्लायर सानू नाम तो ही पता लगता है जिहड़ा गुणा करता है। वोल्टेज मल्टीप्लायर मीनस वोल्टेज नू कई गुणा वधाउण वाला सर्किट अपना मल्टीप्लायर है। इत्थे आपां इनपुट दित्ती है, इत्थे अपनी आ रही है आउटपुट। अगर इस इनपुट का मैगनीट्यूड मैगनीट्यूड एम्पलीट्यूड एक ही चीज़ है, जिदा इनपुट दिती अपां आ इसका हो गया एम्पलीट्यूड मैगनीट्यूड। अगर इसका मैगनीट्यूड वी एम है तो वी आउट ते असी उन्हूं कई गुणा वधा सकते हैं। एन तो भाव है दो गुणा वधा लो, तीन गुणा वधा लो, चार गुणा वधा लो, फिर वह वध जाएगा, उन्ना ज्यादा हो जाएगा। आपां एक टॉपिक किया सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की करता सी एसी नू डीसी दे विच कन्वर्ट करता है। उहदे विच की सीगा एदा रेक्टिफायर सी एसी नू डीसी चो कन्वर्ट करता है, लेकिन उच मैगनीट्यूड की रहिंदा सी सेम। अगर इधर वी एम है तो इधर भी की है Vm। अगर असी इस मैगनीट्यूड नू इनक्रीज करना चाहते हैं तो साढ़े को दो ऑप्शन ने। पहली ऑप्शन तो यह है कि असी इत्थे एक ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। ट्रांसफॉर्मर इस वोल्टेज नू इनक्रीज कर दूगा, लेकिन अगर असी ट्रांसफॉर्मर लगाने हैं साढ़े सर्किट का भार वध जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही बल्की होंदा है, साढ़े सर्किट का साइज इनक्रीज हो जूगा और इसकी कॉस्ट भी इनक्रीज हो जूगी। सो आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हैगी है मल्टीप्लायर सर्किट्स नू यूज करना। अगर असी मल्टीप्लायर सर्किट नू अपने हाफ वेव रेक्टिफायर च लगा देंगे, वो एसी नू डीसी च कन्वर्ट करन दे नाल नाल मैगनीट्यूड नू भी कर दिंदा इनक्रीज। मैगनीट्यूड किन्ना वधाउणा है असी, किन्ना उहदा एम्पलीट्यूड वधाउणा है, इहदे लई वख-वख सर्किट्स ने। पहला हैगा वोल्टेज डबलर सर्किट, डबल तो भाव है दो गुणा करना। ट्रिपलर सर्किट तीन गुणा करना। क्वाड्रपलर सर्किट चार गुणा करना। अपने सिलेबस दे विच डबलर एंड ट्रिपलर ने। हुण आपां टर्न बाय टर्न इन्हां नूं करांगे। फर्स्ट आपां करदे हां वोल्टेज डबलर सर्किट। वोल्टेज डबलर सर्किट नूं हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफायर्स की हैल्प नाल आपां ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप कल्ला हाफ वेव ना कर रहे हैं। ये अपना सर्किट, दो डायोड लगे ने डी वन एंड डी टू, दोनों पी एन डायोड ने। पी एन डायोड ने तो फॉरवर्ड वाइज काम करेंगे, रिवर्स वाइज की हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे। ये दोनों साढ़े कपैसिटर ने। सर्किट की शुरुआत जो असी वीन नहीं दिती तो दोनों कपैसिटर विच कोई चार्ज नहीं है, ये खाली ने। जिहड़े अपने डायोड ने ये दोनों आपां इक आइडल डायोड लए ने, भी जदों ये ऑफ होंगे तो कंप्लीट ऑफ होंगे। ये अपनी वी इन है इनपुट वोल्टेज। जो ये इनपुट वोल्टेज है इसका मैगनीट्यूड किन्ना हैगा वी एम। इट मीनस जो मैं इत्थे इनपुट दे रही हाँ इदा उसका जिहड़ा मैगनीट्यूड की हैगा वी एम। इधर भी नैगेटिव साइड भी वी एम। आउटपुट ते आपां नूं डबल हो जाएगा मैगनीट्यूड, किन्ना हो जाएगा टू वी एम। हुण आपां स्टार्ट करते हैं इनू, आपां विद द हेल्प ऑफ केस करांगे। आपां केस वन करते हैं। केस वन की है, जदों साडी इनपुट दा पॉजिटिव हाफ साइकल है। सेम आपां रेक्टिफायर्स भी इदां ही कीता सी। इहदे नाल सर्किट समझना ईजी हो जाता है। जदों अपना पॉजिटिव हाफ साइकल है, देखो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नैगेटिव,
डायोड डी वन की हो गया फॉरवर्ड वाइज, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे विच डी वन हो गया फॉरवर्ड, इट मीनस ये कम करेगा। डी टू पॉजिटिव है, नेगेटिव ना जुड़ गया, डी टू की हो गया रिवर्स वाइज, ये बिल्कुल ही बंद रहेगा। हूँ इसनू अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ना रिप्लेस कर दा, इतने इनपुट आ रही है जेडी मैं की देती पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये अपना जेड़ा हूँ कपैसिटर है ना ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जेड़ा डायोड अपना फॉरवर्ड वाइज है उन्हों आप शो करांगे शॉर्ट सर्किट और दूसरे नू करांगे ओपन सर्किट, इतना तो समझना आसान हो जाएगा। इतने सानू मिलूगी आउटपुट, ये अपना कैपेसिटर सी वन सी टू, ये डायोड अपना रिवर्स है इस करके ओपन दिखाया है, ये डायोड अपना फॉरवर्ड है इस करके शॉर्ट दिखाया है। एक अपना लॉ होंगे केवीएल, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, ये अकॉर्डिंग हुण देखो अपना जिहड़ा कैपेसिटर है ना वह चार्ज होने लग जाएगा। इत्थे एम्पलीट्यूड कितना सीगा वी एम, कैपेसिटर कितना चार्ज होएगा ये इक्वल, जदों आपां इहदे ते केवीएल लगावांगे तां मेरे कोल बन जूगा वी इन, ये जा रहा है पॉजिटिव टू नैगेटिव, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वन इज इक्वल टू जीरो, इनू सॉल्व करांगे आ गया वी इन इज इक्वल टू वी सी वन, वी इन किन्नी है मैं इत्थे दस्सिया सी वी एम दे बराबर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वन किन्नी आ गई वी एम, मतलब के मेरा जिहड़ा कैपेसिटर है वह चार्ज हो जाऊगा, वह किन्ने टाइम तक चार्ज हो जाऊगा जिन्ना टाइम ओदी वोल्टेज एदी वोल्टेज दे इक्वल ना आ जाए, उस तो बाद चार्जिंग बंद हो जाए। ए है केस नंबर वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, डी वन ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, डी टू हो गया रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज नू ओपन ना दिखाया है, फॉरवर्ड वाइज नू शॉर्ट ना दिखाया है, पहले रूप नू जो मैं सॉल्व किया। इन शॉर्ट अगर तुसी ये नहीं भी करना तो तुसी इन्ना लिख सकते हो कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा साडा कैपेसिटर सी वन चार्ज होना शुरू हो जाएगा, वो कितने तक चार्ज होएगा इस वोल्टेज के इक्वल, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਐਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਟੂ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੀ ਟੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਡੀ ਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ रिवर्स। हुण आपां इसदा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लांगे, इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही सिंपल है, इहदे तुसी सिर्फ ये दसना हुंदा भी केड़ा डायोड शॉर्ट है ते केड़ा ओपन है, रिवर्स हमेशा ओपन होएगा शॉर्ट हमेशा फॉरवर्ड वाला होएगा। हुण देखो इसका बन जाएगा सर्किट, डी टू अपना फॉरवर्ड है ना शॉर्ट हो गया, डी वन अपना की है ओपन, कपैसिटर उदा ही रहेंगे, आप वी इन है हुण देखो इत्थे सीगी नैगेटिव सप्लाई पॉजिटिव, एक कैपेसिटर चार्ज हो चुकी है किन्ने ते वी एम आ गया, इहदे अक्रॉस भी चार्ज, इहदे अक्रॉस भी वी एम है, इहदे अक्रॉस आपां फाइंड आउट करना है, इत्थे लवांगे आउटपुट। हुण इहते जदों केवीएल लगावांगे वह इधर नूं लगेगा, जदों इधर नूं आपां केवीएल लावांगे तां इक्वेशन की बन गई वी इन ए वाली, उस तो बाद माइनस नैगेटिव टू पॉजिटिव जांदा है वी सी टू, फिर ये नैगेटिव टू पॉजिटिव है इस करके हो जूगा प्लस वी एम है, वी इन साडी किन्नी सी वी एम दे बराबर, इहनूं इत्थे वी एम भर दांगे, वोल्टेज अक्रॉस कपैसिटर टू किन्नी आ गई टू वी एम, यही आपां करना सी भी साडी जिहड़ी आउटपुट अक्रॉस कपैसिटर टू है वह डबल हो जाए, डबल होगी। रिपीट कर दी हाँ, नैगेटिव हाफ साइकिल दे विच डायोड डी टू साडा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, उन्हों असी शॉर्ट ना रिप्रजेंट करांगे,
D1 ਸਾਡਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ KVL। KVL ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਸੀ Vin, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Vm1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ Vin ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ Vm ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 Vm। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਿਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੋਲਟੇਜ ਡਬਲਰ ਸਰਕਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਰਕਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਿਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।